हेलो एवरीवन, जय श्री राम। दोस्तों, आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है एक और आईपीओ जो मतलब बहुत जल्दी आने ही वाला है। मतलब अभी आया नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है, ये आएगा। तो ये जो आईपीओ होने वाला है वो होने वाला है एनटीपीसी लिमिटेड का आईपीओ। हाँ एवरीवन, एनटीसीपी इंजीनियर लिमिटेड का आईपीओ होने वाला है। इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ भी रहा था, तो थोड़ा न्यूज़ में देखा, थोड़ा पढ़ रहा था इसके बारे में। तो ये जो आईपीओ आने वाला है, मतलब आईपीओ कब तक आएगा, सब कुछ हम इसमें रिव्यू करेंगे। और हाँ दोस्तों, बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं, बहुत डिमांड में आईपीओ आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा डीमैट अकाउंट का लिंक। तो वहाँ पे जरूर आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिस मतलब ओपन करवा लें, जिसने आपको टाइम टू टाइम मतलब आईपीओ के लिए ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए और सब किस चीज़ के लिए आईपीओ अप्लाई कर सकती हो, मतलब डीमैट अकाउंट में। तो म्यूचुअल फंड जैसे चीज़ें, सब कुछ आप इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो इन्वेस्टमेंट। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो मेक श्योर आपने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को भी, और आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी के माध्यम से आप जरूर डीमैट अकाउंट ओपन करवा लें। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो ये होने वाला एनटीपीसी इंजीनियर लिमिटेड का आईपीओ, ग्रीन एनर्जी का लिमिटेड का आईपीओ। तो हम पूरा रिव्यू करेंगे इसमें कि शेयर होल्डर कोटा है, मैंने इसकी DRHP फाइल देखी, तो अभी सेबी से मंजूरी मिली है या नहीं मिली है, सब कुछ हम आपको रिव्यू करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को अंतर जरूर देखना है, और वीडियो को अंतर देखने के बाद आपको वीडियो को कमेंट भी करना है कि आपको क्या वीडियो में पार्ट अच्छा लगा, क्या आपको कितनी नॉलेज मिली। मैं इसमें पूरी नॉलेज आपको पूरी जगह से नॉलेज मतलब नॉलेज रीड करता हूँ, उसके बाद मैं आपको ये वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब आपको देता हूँ। तो उसके लिए बस आप, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करने के बाद एक वीडियो को लाइक जरूर करना, बाकी प्यार से कमेंट करना। और मैं इसमें जो बात करूँगा एनटीसीपी के बताया मैंने, लिमिटेड का आईपीओ है, तो सब कुछ हम बात करेंगे कि इसमें कैसे होल्डर कोटा है, कि किसका मतलब क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या कुछ रहने वाला, सब कुछ हम बात करेंगे। बस आपको वीडियो को अंतर जरूर देखना है, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। तो एवरीवन, अब मैं जो बताने वाला हूँ आपको यहाँ पे एडिटर लगा देगा, आप यहाँ पे जरूर देखते चलना जो मैं आपको न्यूज़ बताते चलूँगा, ठीक है। तो चलो एवरीवन, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं शुरू। जैसे कि आपको मैंने बताया जो लगभग एनटीपीसी यहाँ पे आपको लगा दिया हुआ एडिटर ने भी, तो अगर एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का जो आईपीओ आने वाला है, जो कि लगभग मेरे अकॉर्डिंग है कब आएगा मैं आपको बताऊंगा, शेयर होल्डर कोटा है कि नहीं वो भी बताऊंगा, बस वीडियो को अंतर जरूर देखते रहना। एनटीसीपी ग्रीन इंजीनियर जो लिमिटेड है आईपीओ, वो होने वाला है। लगभग इनकी जो DRHP फाइल मतलब कर दी गई है, सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, लगभग 10,000 करोड़ का ये आईपीओ होने वाला है, जो कि अपने स्टॉक मार्केट का अच्छा आईपीओ होने वाला है। तो अगर मैं बात करूँ तो लगभग कंपनी ने जो आपको यहाँ पे नीचे दिख भी रहा होगा कि लगभग कंपनी के जो 10,000 करोड़ में से लगभग 7,500 करोड़ कंपनी का कुछ लोन रीपे करने के लिए भी यूज़ किया जाएगा, कुछ ऐसे लोन भी रीपे करा जाएगा। और जो लगभग इसमें से जो 2500 करोड़ बचेगा वो कंपनी का थोड़ा वर्क के लिए यूज़ किया जाएगा, जो कंपनी के जो थोड़े खर्च जनरल मतलब खर्चे हैं कॉरपोरेट में वर्क किए जाएंगे, यानी पूरा पैसा कंपनी पे जाएगा, बाकी इसका कोई ऑफर फॉर शेयर अभी कुछ कह नहीं सकते, मैं आपको बताऊंगा फिर, वीडियो का अंतर जरूर देखना। और अगर मैं बात करूं तो कंपनी का जो इसमें बात करूं तो लगभग जो शेयर होल्डर कोटा इसमें है, जैसे कि अगर आप बात करूं मैं कंपनी का जो इसमें शेयर होल्डर कोटा है, लगभग इसमें जो शेयर होल्डर कोटा, मैंने इसकी DRHP फाइल भी देखी, तो इसमें शेयर होल्डर कोटा है, और उसके लिए आपको कौन सा इसकी जो पैरेंटल कंपनी है वो कौन सा स्टॉक बाय शेयर बाय करना पड़ेगा, तो वो मैं अभी आपको वीडियो को बस देखते रहना, मैं बताऊंगा, है ना। इसकी पैरेंटल कंपनी है ग्रीन एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ का जो है। और अगर मैं बात करूँ तो कंपनी के लगभग अभी लगभग इसका जो इस समय समय शेयर्स का प्राइस चल रहा है, लगभग अभी जिस समय वीडियो शूट कर रहा हूँ वो तो अभी मैं आपको दिखलाऊंगा ही, तो मेरे हिसाब से इसमें शेयर होल्डर कोटा है, मैंने पूरा पढ़ा इसका जो DRHP फाइल मैंने पूरी पढ़ी, इसमें लगभग 90-100% ही बता रहा हूँ मैं, इसमें शेयर होल्डर कोटा है। तो अगर आप इसका बाय कर लेते हो शेयर्स, इसके भी कोई मतलब वो RHP फाइल आई नहीं है, जो RHP फाइल होती है वो भी आई नहीं है, जिसमें बताया जाए कि आईपीओ कब आना है। बाकी इस मैं बता सकता हूँ कि ये आईपीओ जो आने वाला है इसकी DRHP फाइल हो चुकी है, सेबी से मंजूरी मिल चुकी है, ये कभी भी आ सकता है, ये लगभग अक्टूबर के एंड में या नवंबर के स्टार्टिंग में आ जाएगा। अगर बात करें तो लगभग ये अंदाज से बताऊँ तो ये दिसंबर तक, तो ये जो 2024 है दिसंबर तक ये लिस्ट हो जाएगा स्टॉक मार्केट में, 2024 दिसंबर तक ये लिस्ट हो जाएगा। तो हाँ, इसके एक शेयर होल्डर कोटा की मतलब जो आईपीओ है इसका, एक मतलब शेयर होल्डर में बताऊँ, इसका जो आईपीओ है मतलब जो है
इसका क्या होने वाला है जो मैं बताऊं, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा लगभग इसका जो आईपीओ जो मैंने मैंने देखो आप इसे बाय करके रख लो, जो मतलब ये शेयर्स बताऊंगा ना मैं भी बाय करके रख लो, बाकी क्योंकि कोई पता नहीं ये आईपीओ इसकी आरएसपी कब आ जाए, इसके अगर मतलब आरएसपी आ गई तो फिर आपको ये मौका चूक जाएगा। जैसा कि आपको पता है हुंडई का आया था, तो इसका नाम पर चक्कर में तो बहुत फेमस हुआ था हुंडई का, लगभग लोगों का पैसा डबल हो गया था, आप तो चूक गए उस मौका से, और ये वाला मौका जरूर मतलब गंवाना मत, इसलिए बोला अभी बाय करके रख लो शेयर्स। एक शेयर्स बाय कर लो तो भी इसमें शेयर होल्डर वाली कैटेगरी में आप एलिजिबल हो जाओगे। तो मैं बताऊँ कौन सा शेयर्स है, चलो बता ही देता हूँ, बाकी मैंने भी शेयर्स होल्डर मैंने भी बाय कर रखा है, एक शेयर्स बाय कर लो कोई दिक्कत नहीं, लगभग ज्यादा शेयर्स भी नहीं करना, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी जाएगा लगभग कौन सा शेयर्स हमें बाय करना है। ये आपको जो शेयर्स दिख रहा है इसे आपको लगभग बाय करना है लगभग 228 रुपये में, इसके भी करंट वैल्यू चल रही है, लगभग ज्यादा महंगा भी नहीं, 230 रुपये तक का शेयर्स है, आप इसे आराम से बाय कर लो। तो इसमें इसके लिए आप ये अलग कर लोगे तो अगर आप इसमें शेयर होल्डर वाली कैटेगरी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और बाकी दोस्तों आप जल्दी आपने मतलब अप्लाई करोगे कि नहीं करोगे उसको रीजन भी बता सकते हो, सब कुछ हम इसके रिव्यू वीडियो भी लेकर आएंगे, पर आप चाहो तो अभी जल्दी से बाय कर सकते हो, जैसे अगर आप बाय कर लोगे तो इसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे, बताया मैंने तो 10% लगभग इसमें शेयर होल्डर कोटा के लिए रखा गया है, जहाँ तक मैंने इसकी DRHP फाइल पड़ी 10% रखा गया है जो कि लगभग शेयर होल्डर वालों के लिए रखा गया है, तो आप जरूर इसको जरूर करना मतलब स्टॉक को बाय। बाकी दोस्तों आप अपने रिस्क और अपना एनालिसिस को अकॉर्डिंग करना, मैंने ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के माध्यम से बनाया है, आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग अप्लाई करना और अपने अपने अकॉर्डिंग अपने जो आपको पसंद लगे तो आप इसको बाय करना है, बाकी आपका अपने रिस्क या अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही करना। बाकी मैंने बताया शेयर होल्डर कोटा के लिए आप अगर एक शेयर भी बाय कर लोगे तो उसमें भी आप शेयर होल्डर कोटा के लिए एलिजिबल हो जाओगे। और अगर मैं बात करूँ तो लगभग सही है कंपनी का जो IPO आ रहा है, और इंजीनियर के लिमिटेड का काम है जो इसकी कंपनी है, लगभग जो इसकी दूसरी जो पैरेंटल कंपनी मैंने बताया, जो NTPC है जो आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा मैंने बताया, NTCP है लगभग आपको जो ये वर्क करती है लगभग ये जो एनर्जी होती है यानी जो कुछ तो सोलर पैनल जैसे हो गया नहीं जो इंजीनियर मतलब यानी आपको अगर मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ वेट अगर मैं इसकी जो NTPC की अगर दिखलाऊँ तो यहाँ पे कुछ वेट बाकी कंपनी का सेक्टर मुझे सही लगा इसका, और बाकी इसका शेयर होल्डर कोटा है तो लगभग आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हो। बाकी मैंने पहले बोला अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करें, और ये कंपनी बेसिकली करती है किस वर्क में करती है ये भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दूँ, उसके बाद ये वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो वेट बाकी इसकी RSP कोई पता नहीं कब तक आए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप ये अभी ही स्टॉक को बाय करके रख लो, बाकी ये थोड़ा वर्क करती है अच्छी वर्क करती है कंपनी का, जो आपको यहाँ पे दिख भी रहा है यहाँ पे आइटम लगा देगा आपको दिख भी जाएगा, बाकी कंपनी सही वर्क करती है देखने में लग रहा है, जो ग्रीन एनर्जी का मतलब IPO है तो इसका मैंने बताया स्टॉक भी बाय करके रख लो, कोई पता नहीं IPO कब आ जाए और फिर आपसे मौका चूक जाए शेयर होल्डर कोटा वाले से, जैसे कि आपको पता ही है जैसे हुंडई का आया था उसमें तो आप चूक गए, उसमें तो लोगों का पैसा डबल हो चुका है, तो आप इसको जरूर बाय करके रखना शेयर्स को। बाकी दोस्तों इसकी जैसी कुछ RSP आती है IPO जब आता है तो हम उसका पूरा रिव्यू करेंगे, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर इस वीडियो को जरूर करना, कमेंट जरूर करना, तो दोस्तों सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो चेकआउट जरूर करना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और नई नई चीज़ों के साथ, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि YouTube पर वीडियो आती नहीं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेरा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी मैं अपडेट करवा देता हूँ, कुछ होता है कि इशू होता है जो लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ पाती YouTube पर, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा देता हूँ, वहाँ से आप जरूर डायरेक्ट इस पर आ जाओगे YouTube पर। तो वीडियो को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।